नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बावत। राजस्थान के दुर्ग में के बारे में बात कर रहे थे, और दुर्ग में पढ़ते हैं सबसे पहले आन बान और शान का प्रतीक चित्तौड़ का दुर्ग, शौर्य बलिदान की वीर गाथा चित्तौड़ के दुर्ग को देखते हैं। चित्तौड़ दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं। चित्तौड़ दुर्ग के बारे में देखें इससे पहले आपसे निवेदन, अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो अभी आमंत्रित हैं। चित्तौड़ दुर्ग की बात करते हैं। इसका निर्माता चित्रांगद मौर्य राजा था। प्रसिद्ध ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार इसका निर्माता है वो चित्रांगद मौर्य है, और ये मौर्य राजा था। ठीक है। अब चित्तौड़गढ़ में गंभीरी और बेड़स नदियों के संगम पर, ये चित्तौड़गढ़ जो है गंभीरी और बेड़स नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग हैं, गंभीरी और बेरच। ठीक है। 616 मीटर जो है ऊंचे मेसा पठार पर निर्मित गिरी दुर्ग। कौन सा पठार है? तो मेसा पठार कहाँ है? चित्तौड़ में है, याद रखना। ठीक है। 616 मीटर ऊंचे मेसा पठार पर निर्मित ये गिरी दुर्ग है। ये दुर्ग राजस्थान के किलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है। क्षेत्रफल सबसे बड़ा रखता है, कितना रखता है? 28 किलोमीटर। ये दिल्ली मालवा मार्ग पर अवस्थित है, दिल्ली से मालवा मार्ग पर अवस्थित है ये दुर्ग। धानवन दुर्ग छोड़कर सभी 8 श्रेणियों में रखा जा सकता है। धानवन को छोड़ा जाए, सभी 8 श्रेणियों में रखा जा सकता है। आकार जो इसका है ना, इसका स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, आकार जो है ये व्हेल मछली के समान है। तो पूछा जा सकता है व्हेल मछली के समान कौन से दुर्ग का आकार है? तो वो चित्तौड़ का दुर्ग है। इसे राजस्थान का गौरव, गढ़ों का सिरमौर, चित्रकूट भी कहा जाता है। इसको राजस्थान का गौरव, ठीक है, गढ़ों का सिरमौर, चित्रकूट भी कहा जाता है। इस दुर्ग की परिधि जो है लगभग 13 किलोमीटर है, परिधि जो है 13 किलोमीटर है। मेवाड़ के गुहिल वंशी शासक बप्पा रावल ने जो है शासक मान मौर्य को परास्त किया और 734 में इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। बप्पा रावल ने, गुहिल वंशी शासक हुआ बप्पा रावल, जिसने मान मौर्य शासक था उसको जो है यहाँ से परास्त किया और 734 ईस्वी में इस दुर्ग पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। इस दुर्ग में अदब जी का मंदिर है, रानी पद्मनी का महल है, गोरा बादल का महल है, कालिका माता का मंदिर यहाँ है, सूरज कुंड है, समधेश्वर मंदिर है, जयमल पत्ता की हवेलियाँ हैं यहाँ, तुलजा माता मंदिर है यहाँ, कुमस्वाम मंदिर है यहाँ, सतवीरा देवरी जैन मंदिर है यहाँ, श्रृंगार चौरी जो है जैन मंदिर में है, और नवलखा भंडार है यहाँ। नवलखा दुर्ग में है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं विजय स्तंभ की। किस कौन से स्तंभ की बात करें? विजय स्तंभ की। कौन सा स्तंभ? विजय स्तंभ। दुर्ग के भीतर स्थित विजय स्तंभ को जो है विष्णु स्तंभ, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है। दुर्ग के भीतर विजय स्तंभ को जो है विष्णु स्तंभ और भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है। कुंभा ने 1437 ईस्वी में जो है सारंगपुर युद्ध में, कौन सा युद्ध? सारंगपुर युद्ध में महमूद खिलजी प्रथम था, उसको पराजित किया, और इस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा 1440 से 1448 के मध्य करवाया गया। ये 9 मंजिला इमारत है। विजय स्तंभ कितना मंजिला है? 9 मंजिला है। 30 फीट चौड़ी और 122 फीट ऊंची है ये इमारत, और इसमें 157 सीढ़ियाँ हैं। कितनी है? 157 सीढ़ियाँ हैं। इसके चारों ओर भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की मूर्तियाँ बनी हुई, इसके चारों ओर जो है भगवान विष्णु के जो विभिन्न अवतार हैं उनकी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। सीवी वैद्य ने इसे विष्णु स्तंभ कहा है। उपेंद्र नाथ डे ने इसे विष्णु ध्वज कहा है, और गोपीनाथ शर्मा ने इसे लोक जीवन का रंगमंच कहा है। किस किस ने क्या कहा? वीदी से वैष्णव स्तंभ, उपेंद्र नाथ ने विष्णु का ध्वज कहा, उपेंद्र नाथ ने, गोपीनाथ शर्मा ने लोक जीवन का रंगमंच, गोपियों के रंग में रंग गए श्री कृष्ण ने, तो गोपीनाथ ने रंगमंच, लोक जीवन का रंगमंच। आरपी व्यास ने हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम नीति का, आरपी व्यास जी है इन्होंने जो है हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम नीति का है। महाराणा स्वरूप सिंह के समय इसका जीर्णोद्वार करवाया गया। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना जो है टार्जन टावर से की। टार्जन टावर कहाँ है? इंग्लैंड में है। फर्ग्यूसन ने जो इसकी तुलना टार्जन टावर से की। इसे बनाने की जो प्रेरणा है वो बयाने के विष्णु स्तंभ से मिलती है। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। इसकी जो तीसरी मंजिल, इस पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना कवि अत्रि तथा बाद में महस द्वारा की गई। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है ना, प्रशस्ति जो है
इसकी रचना कवयित्री द्वारा तथा बाद में महेश पूरी करता है। तीन साके हुए चित्तौड़ में वो देखते हैं, तीन साके। पहला साका 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, उस समय तत्कालीन शासक जो उस समय थे राणा रतन सिंह, कौन थे? रतन सिंह थे। जोर पदमनी के नेतृत्व में होता है, पदमनी जोर करती है। गोरा बादल का संबंध चित्तौड़ के पहले साके से है। गोरा बादल इस समय जो है यहाँ काम आ जाते हैं। इस दुर्ग को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम जो है खिजाबाद रखा था। क्या, कौन सा नाम रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जीता और इसका नाम रख दिया खिजाबाद रख दिया। अब दूसरा साका होता है 1535 में। कब होता है? 1535 में होता है। उस समय जो है बहादुरशाह, ये गुजरात का सुल्तान था, इन्होंने आक्रमण कर दिया और यहाँ के जो शासक उस वक्त थे ये थे विक्रमादित्य थे। यह जोर उस वक्त करती है रानी कर्मावती जोर करती है, इनके नेतृत्व में जोर होता है। केसरिया जो है यहाँ देवलिया के राव रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया जाता है। देवलिया के रावत बाघ सिंह थे, उनके नेतृत्व में केसरिया होता है। यहाँ बहादुरशाह ने अपने सेनापति रूमी खान को इस अभियान का नेतृत्व सौंपा था। इस अभियान का नेतृत्व किसने किया था? बहादुरशाह की तरफ से रूमी खान ने किया था। किसने किया था? रूमी खान ने किया था। इस युद्ध में रानी कर्मावती ने मुगल शासक जो हुमायूं है उसको राखी बेचकर मदद मांगी थी, लेकिन यह मदद नहीं मिल पाई थी। तीसरा साका 1568 ईस्वी में अकबर के आक्रमण के समय। तीसरा साका होता अकबर के आक्रमण के समय 1568 में। उस समय शासक थे राणा उदय सिंह। इस युद्ध में जैमल उपत्ता ने जो है अदम्य वीरता का परिचय दिया। इस दुर्ग में जो है सात प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार सात हैं, कितने हैं? पाडन पोल मुख्य वो पहला प्रवेश द्वार है, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल। तो पोले हैं, देख लें आप, पाडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल। नवलखा बुर्ज, ये बनवीर द्वारा निर्मित लघु दुर्ग है, इसी किले में है नवलखा बुर्ज। दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ के वास्तुकार जो थे, दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ के वास्तुकार जेता नापा पोम है। जैन कीर्ति स्तंभ इसी में है, ये सात मंजिला है। इसका निर्माण जो है बगेर वाला जैन जीजा द्वारा जो है 10वीं से 13वीं सदी में करवाया गया। भगवान आदिनाथ का स्मारक है ये। राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है ये, यानी अब लोग रहते हैं जहाँ, राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है ये। दुर्ग में जलापूर्ति के स्रोत रत्नेश्वर तालाब, कुंभ सागर, गोमुख झरना, हाथेकुंड, भीमलत तालाब। क्या जाता है कि भीम ने यहाँ एक अपनी लात यानी कि पैरों से जो है इस तालाब का निर्माण किया था। जाली बाव तालाब, दुर्ग के भीतर स्थित फतेह प्रकाश महल को संग्रहालय बना दिया गया। कल्ला राठौड़ की छतरी जो चार खंभों की है इसी दुर्ग में है भाई। कल्ला राठौड़ की छतरी इसी दुर्ग में है। लाखोटा की बारी, जितोड़ दुर्ग की उत्तरी खिड़की है ये लाखोटा की बारी। बारी खिड़की को ही कहा जाता है, मारवाड़ी में शब्द है अपना, राजस्थानी शब्द है बारी, खिड़की को ही कहा जाता है लाखोटा की बारी। दुर्ग का सबसे प्राचीन दरवाजा सूरज पोल है। राव बाघ सिंह का स्मारक इसी दुर्ग में है। बाघ सिंह का जो स्मारक है इसी दुर्ग में है चित्तौड़ में। चित्तौड़ स्तंभ को कर्नल जेम्स टोड ने रोम के टारजन की उपमा दी। बात की अभी दुर्ग के संबंध में प्रचलित कहावत है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया रे। गढ़ तो है गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया, है ना। तो ये चित्तौड़ दुर्ग के बारे में बात हो गई। मिलते हैं आगे अगले वीडियो में आपसे। निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।